Hello, my little Vivekians. How are you? Okay, you are fine. Okay, so today I am going to tell you story about the enormous turnip. Do you know what is the meaning of turnip? Turnip is shalgam. हिंदी में टर्निप को बोलते हैं शलगम. और आपको पता है इसकी एक क्या खासियत है? ये ग्राउंड के ऊपर नहीं बढ़ता है, ये ग्राउंड के नीचे यानी अंडर द ग्राउंड ग्रो करता है. इसकी ये खासियत होती है, यानी इसका जो फ्रूट होता है वो ग्राउंड के अंदर यानी सॉइल के अंदर ग्रो करता है. तो आज की जो स्टोरी है वो टर्निप के बारे में है. तो पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि इस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और साथ में इस स्टोरी में होता क्या है. उसके बाद मैं आपको एनिमेटेड स्टोरी सुनाऊंगी और आप जो है होप आप ये स्टोरी जो है वो अपनी मम्मा पापा के साथ पढ़ेंगे और इसके छोटे छोटे वर्ड्स को जो है प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, लाइक एनॉर्मस, लाइक टर्निप, सम वर्ड्स आर देयर लाइक ओल्ड, फार्मर, फार्म हाउस, क्लीन्ड, गार्डन. सो देर आर सो मेनी वर्ड्स दैट यू कैन प्रोनाउंस. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. होता ये है द एनॉर्मस टर्निप. फर्स्ट ऑफ ऑल एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत जायंट, बहुत बिग, बहुत ही मॉन्स्टर टाइप ऑफ. वैसे टर्निप का साइज जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, इतना होता टाइप टर्निप का, यानी शलगम का जो साइज होता है वो छोटा होता है. पर ये जो टर्निप है, ये जो टर्निप ग्रो किया था फार्मर ने, तो ये बहुत जायंट था. उसका साइज इतना बिग था कि फार्मर जो था वो बहुत ही छोटा था और उसका जो टर्निप था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, बहुत ज्यादा ग्रो कर गया था वो. तो हुआ ये कि एक बार की बात है कि एक बूढ़ा यानी ओल्ड फार्मर था, वो अपनी वाइफ के साथ फार्म हाउस में रहता था. उसका काम था सब्जियां उगाना, वेजिटेबल ग्रो करना. तो उसने जो है अगेन अपनी सॉइल को डिग किया, उसके अंदर टर्निप के सीड्स डाल दिए. आपने आपको पता है ना कि अगर हमें कोई प्लांट उगाना होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हम सबसे पहले ग्राउंड के अंदर ग्राउंड को डिग करते हैं और उसके अंदर कोई भी वेजिटेबल जो हमने उगानी है उसके सीड्स डालते हैं. ऐसे ही किया फार्मर ने. फार्मर ने सीड्स डाल दिए अपनी सॉइल में, अपने ग्राउंड में, फार्म हाउस में, और उसके बाद उसको बड़ा होने के लिए छोड़ दिया, यानी उसको पानी दिया, सनलाइट प्रोवाइड की. धीरे धीरे जो है सारे टर्निप्स जो है वो ग्राउंड में उग गए. आप यहाँ देख सकते हैं, देखो कितने सारे टर्निप्स हैं यहाँ पे, है ना? ये देखो कितने सारे टर्निप्स हैं. बट एक टर्निप बहुत ही बिग साइज का था. लुक एट द साइज ऑफ द टर्निप, लुक एट इट्स लीफ, दे आर सो ह्यूज, दे आर सो बिग, एंड द टर्निप साइज इज टू बिग. लुक एट दीज टर्निप्स, दे आर सो स्मॉल. अब सब हैरान हो गए, सब खुश भी हो गए. फार्मा और फार्मा की वाइफ, मजा आ गया, अब तो हम टर्निप का सूप बनाएंगे. आपने कभी पिया है सूप टर्निप का? बहुत ही हेल्दी होता है और मीठा भी बनता है. तो उन्होंने भी ये ट्राई किया कि हम उसका जैम बनाएंगे, हम उसका सूप बनाएंगे और हम डिनर में करेंगे, उसको खाएंगे. बहुत सारे बहुत एक्साइटेड थे टर्निप के लिए. तो फार्मर ने डिसाइड किया कि वो टर्निप को खींचकर निकाल देगा. पर टर्निप तो बहुत बिग था और टर्निप जो है वो बाहर आ ही नहीं रहा था. पकड़ो खींचो, पकड़ो खींचो, वो सब खींचना शुरू कर दिया. देखो यहां आप देख सकते हो, ये देखो फार्मर ने जो है वो टर्निप को खींच रहा है. कितना बिग है वो टर्निप और फार्मर कितना छोटा सा. तो फार्मर उसको खींच रहा है तो खींच ही नहीं रहा. तब उसने अपनी वाइफ को बुलाया. वाइफ आ गई, वाइफ ने भी अपना जोर लगाया, टग द वॉर की तरह पकड़ लिया टर्निप को और खींचना शुरू किया. बट कुछ
छो ही नहीं रहा था। वो दोनों थक गए। तभी उन्होंने अपने नेबर को बुलाया। नेबर भी आ गया। नेबर ने भी पकड़ा और तीनों मिलकर बहुत जोर से उसको खींचने लगे। पर डरने पे कि वो बाहर ही ना आए। क्यों नहीं आ रहा था वो बाहर? क्योंकि वो बहुत बिग साइज में था और वो ग्राउंड के अंदर दबा हुआ था। और धीरे धीरे जो है वो थक गए। पहले फार्मर ने खींचा, बात नहीं बनी। फिर वाइफ ने खींचा, तब भी कोई बात नहीं बनी। फिर नेबर ने उसको पकड़ के खींचा, सबकी ताकत लगी पर कोई भी काम ना आई। फिर नेबर ने अपने डॉग, कैट, रैट, इन सबको बुला दिया जो उसके पेट थे, उन सबको बुलाया। फिर नेबर्स भी इकट्ठे हो गए। और ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कैसे डॉग और ये कैट, ये सब इकट्ठे होकर टर्निप को खींचने लगे। ये देखिए, देख सकते हैं आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही सब ने मिलकर जोर लगाया और हिम्मत नहीं हारी और टर्निप बाहर आ गया। स्टोरी में आपको, जब मैं आपको एनिमेटेड स्टोरी सुनाऊंगी तो आप वहां देखेंगे कि कैसे टर्निप बाहर आकर गिर गया और सारे धड़म देकर नीचे गिर गए। फिर क्या हुआ, फिर सबने प्लान किया हुआ था ना कि वो टर्निप का सूप पिएंगे, तो सबने टेबल पे बैठकर टर्निप का सूप एंजॉय किया। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। अगर आप एक बार कोशिश करते हैं और वो कोशिश सफल नहीं होती है तो आप दूसरी बार फिर ट्राई करिए। तो जब हम बार बार ट्राई करते हैं तो वो चीज हमें आ जाती है। तो आपको ये स्टोरी है इंग्लिश में, तो मैं आपको स्टोरी भी जो है वो इंग्लिश में ही सुनाऊंगी, एनिमेटेड इंग्लिश स्टोरी सुनाऊंगी मैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था अबाउट द स्टोरी। चलो अब सुनते हैं फार्मर का, ओल्ड फार्मर और उसकी वाइफ के बारे में। तो आपको जैसे ये ऑलरेडी पता है कि ये आपकी थीम फोर से ली गई है ना, थीम फोर हेयर देयर एवरीवेयर, यानी कि हिंदी में यहाँ लिखा है यहाँ वहां सब जगह। तो ये वाली थीम है और इसके पेज नंबर देख सकते हैं आप 20। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 28 और यहाँ है 29, ठीक है। तो 28 और 29 पेज नंबर पर आपको ये स्टोरी मिलेगी और आपने ये स्टोरी रीड करनी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द एनिमेटेड स्टोरी जो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो लेट्स सी। द एनॉर्मस टर्निप। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर। ही लिव्ड विद हिज वाइफ इन हिज फार्म हाउस। One day, the old farmer cleared his vegetable garden and sowed some turnip seeds. Soon there were lots of turnips in the garden, but one turnip grew larger and larger and larger until it was enormous. One day, the farmer decided to pull out the enormous turnip. He called out to his wife to help him. The farmer and his wife pulled the turnip. They tried harder and harder, but the enormous turnip did not move. Then they decided to call their neighbor's girl. Their neighbor's girl helped them to pull the enormous turnip. But
still the turnip would not come out. They were all tired now. Then girl called her dog cat to help. And together they all tried to pull out the giant turnip, but nothing happened. Then all of a sudden, a huge turnip was uprooted and they all fell down. The farmer and his wife were really happy. As a result of their hard work, they all enjoyed a great supper of turnip soup. And here the story ends. Bye-bye.